नमस्कार हरी प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है सावन के दूसरे बुधवार पर करें ये विशेष उपाय, घर आएगी सुख और समृद्धि। हरी प्रेमियों, इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हरी प्रेमियों, अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो निजात पाने के लिए सावन के दूसरे बुधवार को गंगाजल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके पश्चात श्वेत रंग के वस्त्र में 5 मुट्ठी साबुत मूंग बांधकर बहती जलधारा में प्रवाहित कर दें। इस समय शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को अति प्रिय है। इस महीने में प्रत्येक दिन विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में चारों तरफ उत्सव जैसा माहौल रहता है। प्रसिद्ध शिव मंदिरों में कांवरिया और शिव भक्त गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, साथ ही बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान शिव जल के अभिषेक से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः साधक सावन के महीने में प्रतिदिन गंगा जल, दूध या सामान्य जल से बाबा का अभिषेक करते हैं। सावन के महीने में बाबा को प्रसन्न करने हेतु विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से साधक पर महादेव की कृपा बरसती है। अगर आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन ये उपाय जरूर करें। अगर आप बुध ग्रह के दोष से मुक्त होना चाहते हैं तो सावन माह के दूसरे बुधवार को विधिवत शिव परिवार की पूजा करें। इस समय गंगा जल में साबुत मूंग डालकर अर्घ्य दें, साथ ही महादेव को दूर्वा भी अर्पित करें। आप प्रसाद में भगवान शिव को मूंग के लड्डू का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही बुध ग्रह के दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आप कुंडली में सूर्य मजबूत करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन स्नान ध्यान के पश्चात जल में गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से साधक पर भगवान शिव की कृपा बरसती है, साथ ही करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। सावन के दूसरे बुधवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, साथ ही नंदी जी की भी पूजा करें। इस समय अपनी मनोकामना नंदी जी से जरूर करें। इस दिन गौ माता अथवा नंदी बैल को हरी घास जरूर खिलाएं। इस उपाय को करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। अगर आप आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो निजात पाने के लिए सावन के दूसरे बुधवार को गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके पश्चात श्वेत रंग के वस्त्र में 5 मुट्ठी साबुत मूंग बांधकर बहती जलधारा में प्रवाहित कर दें। इस समय शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। तो हरि प्रेमियों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा।